भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर हमीरपुर बाजार में दुकानें सजने लग गई हैं और बहनों ने भाइयों के लिए राखी भी खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे शहर में रौनक बढ़ गई है। गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक जगह जगह पर राखियों के स्टॉल लगाए गए हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं। भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार इस बार भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आगामी 26 अगस्त रविवार के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार के लिए हमीरपुर बाजार में दुकानें सज गई हैं। दुकानों में नए-नए प्रकार की राखियां देखने को मिल रही हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी में जुट गई हैं, जिससे शहर में रौनक बढ़ गई है। इस बार बाजार में बच्चों के लिए भी कई प्रकार की नई-नई डिजाइनों की राखियां देखने को मिल रही हैं, जिनको लेकर बच्चों में काफी रुझान देखा जा रहा है। हमीरपुर शहर के स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस बार नई डिजाइन की राखियां मार्केट में उतारी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भाई भाभी स्पेशल राखी बाजार में आई है, जिसको लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। राखी की खरीदारी और त्योहार को लेकर शहरवासी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बहनों ने बताया कि इस दिन अपने भाई को राखी बांधती हैं और अपनी रक्षा करने का वचन उनसे लेती हैं। सभी किस्म की राखी हैं, महंगी से महंगी भी, सस्ती से सस्ती भी, मतलब हर एक किस्म की। मतलब बंदे के हिसाब से, जैसे कि किस किस्म का बंदा लेना चाहता है, 10 रुपए की, 20 की, 100 की भी है, 150 की भी है। सभी किस्म की राखी हैं, बच्चों के लिए है, जेंट्स के लिए, मतलब यंग के लिए है, ऐसे ओल्ड बूढ़ों के लिए होती है, उनके लिए है, मतलब हर एक किस्म की है। मतलब सस्ती सस्ती, जैसे कि रुद्राक्ष की है, ओम की है और गणेश वगैरह की, वैसे हर एक किस्म की राखी हैं। भाई के लिए स्पेशल अपने कॉलेज से आई हूँ, नौणी से आई हूँ, स्पेशली राखी मनाने के लिए। और 5 साल बाद मेरा भाई घर पे है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। और बहुत अच्छे से मनाते हैं, हम हमेशा की तरह लड़ते हैं उस दिन भी, और मैं उससे चॉकलेट्स मांग रही हूँ। इस बार भाई भाभी थीम है, वो है, पर भाभी अभी पास में नहीं है। अच्छे से मनाइए राखी, और जो भी प्रॉमिसेस होते हैं अच्छे से कीजिए, और हर भाई को जरूर बहन को गिफ्ट दो, वो तो बनता ही है। कुछ नहीं, बस अच्छी सी राखी लेके, थोड़े सी चावल, ये फूल वगैरह लेके, और सारे मतलब रिलेटिव्स वगैरह सारे इकट्ठे होते हैं तो अच्छा लगता है। और साल बाद आती है तो अच्छा लगता है कि हाँ, हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे बुआ वगैरह आती हैं, सारे भाई इकट्ठे होते हैं, अच्छा लगता है। स्पेशल अभी आ रहा है, वो उसको बुला लिया कि जो उसका पसंद होगा वो हम उसको लेके दे देंगे, और जो हमें पसंद होगा वो उस दिन दे ही देगा। तो मेरा जैसे फर्स्ट मैरिज के बाद, तो भी फर्स्ट टाइम मैं अपने ससुराल में और मायके में मनाऊंगी, तो एक्साइटमेंट है कि कैसे कैसे हम करेंगे। और पहले ससुराल में मनाएंगे, फिर अपने मायके अपने ब्रदर के लिए देख रहे हैं राखी कैसी कैसी लें। बहुत हैं कलेक्शन, पर देखते हैं कौन सी अच्छी लगती है। उसको बुलाया हुआ है मार्केट, क्या उसको पसंद आता है क्या नहीं, और अपने लिए भी देखते हैं गिफ्ट क्या चाहिए उसको क्या नहीं। देखते ससुराल में तो जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ आ रहे हैं, फिर देखते हैं। अभी हमने देखा हुआ है कि सुबह पंडित वगैरह को बुला के पूजा वगैरह करवाएंगे, फिर वो सिस्टर अपने भाई को राखी बांध के फिर थोड़ा सा खाना पीना करेंगे, फिर बाद में फिर मैं अपने मायके जाऊंगी। फिर स्पेशल तो अभी इतना आइडिया नहीं है, बट देखते हैं क्या क्या होता है। अभी वो ये है कि सुबह जब ससुराल से आके फिर वहीं पे भी पूजा करेंगे भाई की, और राखी बांध के फिर खाना पीने का इंतजाम करेंगे, क्या क्या खाते पीते हैं। रक्षाबंधन में मैं अपने मायके जाती हूँ अपने भाइयों को राखी बांधने, और वहाँ पे भाइयों को राखी बांधती हूँ। स्पेशल तो कुछ नहीं, जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही। थोड़े वर्किंग होते हैं लोग, तो थोड़ी सिंपल सी, सोबर सी राखी हो,